रुद्रपुर उधम सिंह नगर के पंतनगर थाना क्षेत्र के नगला बाईपास के पास जंगल में एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान राकेश के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक मृतक 6 दिसंबर को दुकान की ओर निकला था। जब वह शाम को घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। युवक का पता नहीं चलने पर परिजनों ने लालकुआ कोतवाली में उसकी गुमशुदगी दर्ज की गई। पुलिस ने राकेश का शव जंगल से बरामद किया है। जांच के दौरान शरीर में किसी भी तरह के निशान नहीं मिले हैं। हाथी के हमले से युवक की मौत की आशंका जताई जा रही है। उधम सिंह नगर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। ये बॉडी मिली थी, आज सुबह सूचना मिली थी जंगल के किनारे, तो यहाँ पे आए फॉरेस्ट की टीम भी आ गई थी। इसका अभी पता चला है, इसकी गुमशुदगी दर्ज थी है लाल कुआं से 2 दिन पहले, 6 तारीख को गुमशुदा हुआ था। और जैसा कि मौके से लग रहा है, और फॉरेस्ट वालों ने भी बोला है कि हाथी वाला एरिया है और हाथी का गोबर भी आसपास यहाँ पड़ा है, जैसे इंजरी जैसे इसकी बॉडी में नहीं है, दबाने के कुछ निशान लग रहे हैं, तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि हाथी के द्वारा इसको मारा गया है। उसके परिवारजनों ने आकर इसको आइडेंटिफाई भी कर दिया।